लगातार आपका पसंदीदा न्यूज चैनल बिहार टेलीविजन नेटवर्क बीटीएन न्यूज प्रतिदिन आपको बाढ़ या फिर जल जमाव की स्थिति से अवगत करा रहा है। बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन खतरे से घबराने की जरूरत नहीं है। सतर्कता जरूरी है क्योंकि स्थिति अभी उतनी भयावह नहीं है। शहर में कहीं से बांध टूटने की जिस वक्त हम यह समाचार कंपोज कर रहे हैं कोई खबर नहीं है। पानी भी स्थिर है, पानी में भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन बावजूद इसके सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। बाजार में सामानों की कमी नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता भी नहीं है और अफवाहों से दूर रहने की ज़रूरत है। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। बीटीएन न्यूज़ आप तक लगातार तमाम जानकारियां पहुंचा रहा है। बागमती नदी की तस्वीर आप देख रहे हैं, बागमती नदी पानी से लबालब भरी हुई है, जलस्तर में हल्के इजाफे की खबर है। हालांकि अभी पानी स्थिर है जिस वक्त हम यह समाचार कंपोज कर रहे हैं। वार्ड नंबर 30 में सीएम कॉलेज के पास बना हुआ फाटक, जिससे पानी के रिसाव की खबर आई, तुरंत वहां पर लोगों ने जाकर प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्था की गई और इसको मरम्मत इसकी की गई, बोरा इत्यादि डालकर बंद करने की कोशिश की गई। पानी का दबाव है, पानी प्रेशर में अपना रास्ता भी बनाता है। बावजूद इन सबके विपरीत परिस्थितियों में जो जहाँ लगा हुआ है वह बाढ़ को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। बोरा यहाँ पे डाला गया, कम से कम 20 बोरा डालेंगे, लेकिन नहीं हो रहा है। ये किस ओर से मिला है बोरा? वाटर बेस से मिला है। ये वार्ड क्या मार्ग क्या यहाँ पे क्या दिक्कत? यहाँ पे एक फाटक है, नदी से मिली हुई है, वो नाला का फाटक है, वो फाटक से जो है आपको पानी देस रहा है। अच्छा, तो पानी देस रहा है, किस ओर जा रहा है ये पानी? ये टाउन की तरफ जा रहा है पानी। जैसे कौन कौन सा एरिया, कौन कौन सा महल? ये एरिया आपको बहुत सा वार्ड आपको मिल जाएगा, और 23 भी मिलेगा, सब वार्ड आपको इसी में मिलेगा। का ये नहीं कि जो कॉलेज के बगल में एक फाटक है जो शहर का पानी नदी में जाता है, नदी का पानी अभी ओवरफ्लो करके वो रेस रहा है। ये पानी और ये पानी जो है नाला करके रिसाव होकर के शहर की ओर जा रहा है और ये काफी जल जमा भर गया है रोड में, आप देख सकते हैं आगे जाकर के कितना पानी लगा होगा। लगभग अभी ठेना भर पानी लग चुका है। तो फिर क्या स्थिति है मोहल्ले में, क्या स्थिति है? स्थिति है कि उस दिन तो आए थे शायद सीओ साहब, बोरा डाला गया है, दो चार बोरा से क्या होगा, अभी पानी का रिसाव बढ़ता ही जा रहा है। घर में पानी भी घुसा है जो पड़ा है, सुबह से जब पानी आ रही थी तो जे ई साहब आए और देख के चले गए, लेकिन जब पानी की ओवरफ्लो हो गई तो अभी आके उनको छा पड़े थे, उसे क्या होने वाला है? किधर से पानी? व्यवस्था नहीं है, पानी किधर से जा रहा है? ये लद्दी का पानी जा रहा है नाला से, रोड पर पानी है। किसके जरिए में पानी जा रहा है? तो क्या लग रहा है कुछ आप? और वार्ड नंबर 31 का हाल भी कुछ ऐसा ही है, नदी से पानी रिसकर। वार्ड नंबर 31 भीगो मोहल्ला शेर मोहम्मद मोहल्ला चक्र अहमद के इलाके में पानी प्रवेश कर गया है, इसके कारण लोग डरे हुए हैं। डूबा जा रहा है, पानी बेतरीके आ रहा है मोहल्ले के अंदर में। कौन सा मोहल्ला या कौन सा है? शेर मोहम्मद भीगो वार्ड नंबर 30। हम लोग की हालत बुरी हो रही है, एकदम पानी बेतरीके भाग रहा है, कोई देखने वाला, खाने पीने के लिए हम लोग मर रहे हैं।
है ये सैलाबी पानी है ना बरसाती ना बरसाती ना तो है नेपाल वाला पानी छड़ा वाला पानी है और निचले इलाके से लोग निकलकर बांधों पर शरण लेने की कोशिश में। बांध पर शरण लेने आए लोग उझौल छोटी बलवाही बहादुरपुर इलाके के लोग दर्जनों परिवार बल्लोपुर में बांध पर शरण लेते दिख रहे हैं। बलुआही से किला घाट बलुआही वार्ड नंबर कितना है आप लोग का? छह भर छाती पानी है। कोई वहाँ पे कि जो रहने के लिए कोई अच नहीं है, व्यवस्था नहीं है जो, इसलिए कि जो हम सब सभी मवेशी बाल बच्चा सभी ले लेके आए हुए हैं, रोड पे हैं। अभी कहाँ पे रह रहे हैं आप लोग, किस जगह? जीगो बांध पे हैं रहा है। और हमारे यहाँ कोई साधन नहीं है। क्या साधन आप लोग मांग? हम लोग नाव चाहिए, सबसे पहले नाव चाहिए, और कुछ मिले या ना मिले पहले नाव चाहिए। किस जगह के लिए? बलवाही के होगा, 100 घर से ऊपर है। कितना पानी आप लोग के घर में होगा? पानी हर भर भीज गए, कुछ नहीं राहत हमरा के लिए है। बच्चा बुच्ची आर ले सही तो अथी भेल छे, बान पर छे, बानो के ने कोनो व्यवस्था है, कथी आर ले। लोगों ने अपने सामान जो कुछ वे अपने साथ ला सकते थे और माल मवेशी के साथ बांध पर शरण ले रखी है। बल्लोपुर अरे बोलिए ना, कितना गीदरगंज बांध की यह तस्वीर, जहां बांध में रिसाव बड़े पैमाने पर हो गया था, लेकिन तुरंत प्रशासन ने अपनी टीम भेजकर इसे दुरुस्त कराया। रिसाव गुरुवार को ही हुआ था और गुरुवार को ही ये दुरुस्त किया गया। तस्वीरें आप बिल्कुल ताजी देख रहे हैं शुक्रवार की। कोठिया फोटिया सब डूबा हुआ है, और ये जो रोड है, ये आपको बल्लोपुर और गीदरगंज के बीच में एक रोड गया है, जो नया पुल बना है कोठिया जाने के लिए, उसी रूट का जो बांध कटी हुई थी उसको अभी तक प्रशासन उसका की ना कोई व्यवस्था, खाली देख के। ये बताओ यहाँ पे जो बांध बना गया ये कौन सा जगह है? ये आपको कोठिया जाने वाला जो रास्ता है, जो बल्लोपुर और गीदरगंज के बीच में जो बांध कटी हुई एक रास्ता गया है, जो आपको नया पुल जो बना है उससे जो कनेक्टेड जो रास्ता है। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी नदी का आ रहा है, बागमती। देखिए पूरा पानी लगा हुआ है, इधर से पानी पूरा खेल रहा है।
यहाँ कम से कम 20 गाय बंद किया होगा, यहाँ सब फंस के मौत, बहुत चीज नुकसान है, माल जाल मुर्गा मुर्गी सब चुपचाप सब फंस गया, क्या चीज में पकाएंगे या खाएंगे, क्या चीज में देखिए तो इतना पानी आ गया, घुसा हुआ है डूबने धसने का, माल जाल को मुर्गा मुर्गी को मान रहे थे, कोई प्रशासन को कुछ कहिए तो अब ये गांव के लिए कुछ करे, गांव के लिए कुछ करेगा। और महाराजी पुल से ली गई बागमती नदी की यह तस्वीर, बिल्कुल ताजी तस्वीर, पानी जहां का तहां रुका हुआ है, थोड़ी बढ़ोतरी की जरूर खबर है लेकिन पानी स्थिर है, पानी जहां था वहीं से थोड़ा बढ़ा है लेकिन स्थिर है। गुरुवार को ही जैसा कि हमने आपको बताया था, निचले इलाकों में शुभंकरपुर रत्नोपट्टी इलाकों में पटेल चौक होते हुए पानी पहुंच चुका था और अभी भी वही स्थिति है, पानी बढ़ नहीं रहा, शहर में कहीं तटबंध टूटने की कोई खबर नहीं है। हाँ, रिसाव से जो पानी आया है वह शहर के निचले इलाकों में ज़रूर फैला है। बताइए क्या स्थिति बनी हुई पानी का? पानी बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। कौन सा मोहल्ला है ये? कई नंबर वार्ड में है ये? प्रशासन आगे चल गया, चल गया हुआ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा, कारना व्यवस्था लगा थे पब्लिक के, कारना में दो दो होते, बाहर में दो होते पब्लिक की करते, आने तो बाल बच्चा है कि क्या नहीं हम सब ही मेला जाए भाई, कहाँ जाते बच्चा सब है, कहाँ जाते बच्चा सब लेके, यार में मिर्चा यार चूने चाने जी बालल पतल मिर्चा सब, जब बाल बच्चा मिल के क्या स्थिति बनी हुई है पानी का? पानी तो बढ़ ही रहा है। क्या नंबर वार्ड है? कौन सा नंबर साफ है? कौन मोहल्ला है ये? भाग रहा है आदमी बहुत तेजी में, देखिए पानी को रोकने वाला फाटक टाउन प्रोटेक्शन बांध की तस्वीर आप देख रहे हैं और वहां से पानी के रिसाव की खबर मिलते ही सदर अनुमंडल पदाधिकारी गजेंद्र कुमार सिंह, सदर एसडीपीओ दिलनवाज अहमद पहुंचे, नगर आयुक्त नागेंद्र कुमार सिंह भी साथ में, यह बताते हुए कि आखिर कैसे इसका इसको रोका जाएगा, इसकी सुरक्षा के क्या प्रबंध किए जाएंगे।
और लाधा बांध की ये तस्वीर, लाधा की तस्वीर आपको दिखाएंगे, यह बागमती नदी पूरी तरह से भरी हुई लाधा की ये तस्वीरें। सबसे पहले अफवाहों का जो बाजार गर्म हुआ वह लाधा से ही गर्म हुआ। लाधा बांध के टूटने या फिर रिसने की खबरें अफवाह के रूप में सोशल मीडिया पर चलती रहीं, लेकिन आपको हम बताएं कि शहर में लाधा तो छोड़िए किसी भी बांध के टूटने की अब तक कोई खबर नहीं है जब यह हम समाचार कंपोज कर रहे हैं। हाँ, बांधों की मरम्मती लगातार हो रही है, अगर कहीं से भी रिसने की थोड़ी भी शक की गुंजाइश होती है तो वहां प्रशासन ने टीम लगा रखी है, उसकी मरम्मती तुरंत की जाती है। जी ये बताइए ये कौन सा गांव है? बांध के रिसाव की अगर कहीं से भी थोड़ी गुंजाइश है तो उसे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी ये बताइए ये केवटी प्रखंड के बरकी शीशो पूर्वी पंचायत का यह करकौली इलाका। जी ये बताइए कौन सा गांव है और क्या स्थिति? करकौली में भी पानी पसर गया है, देख रहे हैं कि पूरा दरिया भरा हुआ है, पानी बह रहा है, समझ गए, गांव करकौली हुआ, समझ गए। चौर में से लेकते हुए पूरे गांव में पानी ने अपनी जगह बना ली है। पहले भी बता चुके हैं दरभंगा शहर के निचले इलाकों में भी बाढ़ का पानी आया है। फ्लो कर रहा है, ऊपर से फ्लो कर रहा है, पानी मोटा हो रहा है, उस मात्रा में हम मिट्टी भी नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं, मैंने कोई असर नहीं कर रहा है, बोरा डालने से भी कोई असर नहीं है, नहीं कर रहा है। और ये बात तो करके देख में दबा दीजिए घुसा ना उधर से पैजामा उठा के फोटो लीजिए मुखिया जी, तो परेशानी है, वो भी परेशानी, वो भी क्या करेगा।
देख लीजिए दो दो सदर प्रखंड के सीसो पूर्वी पंचायत करकौली का यह नजारा आप देख रहे हैं। लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरह से पानी ने कहां बनाई है अपनी जगह। जी ये बताइए ये कौन सा गांव है? अभी जो बाढ़ जो तूफान ऐसा आ रहा है उलट गया तो सब दहा जाएगा और पानी भी गांव में डूब गया। ये जब टूट गया उलट गया तो सब दहा जाएगा और पानी भी गांव में डूब गया है। सब रोड पर सब सारे आदमी छोड़ दिया घर गाँव प्रलय हो जाए गांव में भवर फूट जाए तो बहुत नुकसान हो दरभंगा एकदम दरभंगा प्रलय हो जाए उड़ जाएंगे हम सब देख रहे चला चला उन्हें भगवान है चला देख चला कर वहाँ चारों बगले टूट गए कोई भी चीज भूख लगे तब ना खाना खाई एकदम भूख लगे भाग रहे घर छोड़ के पानी है बागमती में से जैसा कि हमने आपको बताया है मब्बी और आसपास के इलाकों में भी बाढ़ के पानी ने दस्तक दी है और वह भी अच्छे तरीके से दस्तक दी है। मब्बी पुल से ली गई ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और एनएच पर बांध जैसा नजारा एनएच के बीच में दो सड़कों के बीच में जो जगह उस पर ली है लोगों ने शरण। सोचिए कैसी जिंदगी होगी किस कदर लोग मुसीबत में रह रहे हैं स्वयं अपने बच्चों को साथ लेकर जो सामान थोड़ा बहुत ला पाए होंगे वह उनके साथ है माल मवेशियों की जिम्मेवारी है खुद के खाने के लिए नहीं है जानवरों के लिए हरा चारा कहाँ से आएगा। पूरा घर में सामान ऊपर में थे हम लोग मुखिया भी नाव दिया है कुछ दिया है खाली घूर रहा है मुखिया इधर से इधर
पानी ने स्थिति दर्ज करा ली है। हालांकि अभी कहीं बांध टूटने का खतरा नहीं है, लेकिन बांधों पर दबाव तो जरूर है। ये लड़का दहा गया पता है ना, हमारे गांव में मधपुर गांव में डालना है। और ऐसे हालात में पेट की आग बुझाने की भी कोशिश। माथा पोखरी में अधिक बाढ़ आने आ गया है, इसके कारण अधिक सा अधिक अधिक जनसंख्या में लोगों फंसे हुए हैं और हम लोग घर छोड़ के, कुछ आदमी घर छोड़े हैं, कुछ आदमी घरे में हैं और हम लोग आके रोड पर खाना बनाते हैं। और चौर का यह नजारा मब्बी के निकट का। कभी सूखा तो कभी तेज बारिश की वजह से बाढ़, प्रकृति के अपने मिजाज, प्रकृति का अपना रूप। कहते हैं प्रकृति जब करवट लेती है तो सब कुछ बदल कर रख देती है। प्रकृति के साथ की गई तमाम नाइंसाफियां वह इसी रूप में शायद वापस करती है। स्वास्थ्य प्रभारी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर एसी मिश्रा लगातार अपनी टीम के साथ लोगों के हालात का जायजा लेते हुए उन्हें स्वास्थ्य की मदद पहुंचाते हैं। बहुत भयावह बनी हुई नहीं, अभी तक नहीं डूबा है। अभी जो हमारा हेल्थ सेंटर सब है, सब सेंटर सब, तो जैसे जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं शीशो पश्चिमी में, ये आधा से ज़्यादा डूब गया है। इसका जो भी सामान था हम लोग बाहर करवा दिया, एक ऊँचा स्थान पर आंगनबाड़ी सेंटर पर शिफ्ट कर दिया है। और कंसी में भी केतुका है एक जगह चक्का, वहाँ भी पानी आ गया है सब सेंटर पर। शहबाजपुर में भी है और कौन पोखर है, माथा पोखर मब्बी में, बेलौना में, इस सब में आ गया है। मब्बी और सीसो का इलाका सदर प्रखंड में बाढ़ ने अपनी दस्तक पूरी तरह से दे दी है।
इधर समाचार कंपोज किए जाने के वक्त ही मिली खबर के मुताबिक मब्बी स्वास्थ्य केंद्र के बगल में एक लाश तैरती हुई दिखाई पड़ी है। हालांकि पुलिस को सूचना दी गई है ग्रामीणों द्वारा और ग्रामीण भी वहां पहुंचे हैं। पुलिस भी पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। शहर के बीचों बीच का इलाका जेपी चौक, देखिए पानी ने कैसे अपनी पहुंच बनाई है यहां। यह बारिश के जल जमाव का पानी नहीं है, नदी का आया हुआ पीले कलर का यह पानी रिसाव नालों के द्वारा। पहले भी हम आपको बता चुके हैं, दोबारा बता रहे हैं आपको कि कहीं से शहर में बांध टूटने की कोई खबर नहीं है। बांधें सुरक्षित हैं, उनकी निगरानी हो रही है। पानी का दबाव जरूर बना हुआ है। जेपी चौक वार्ड नंबर 21 का इलाका बागमती नदी से आ रही है, जेपी चौक है ये। बागमती से ये पानी कब से आना शुरू हुआ यहाँ पे? ये परसों से थोड़ा थोड़ा आ रहा है और आज जो है तो ज्यादा आ गया यहाँ पे। कितना पानी होगा अभी? क्या चीज, कितना पानी होगा? जेपी चौक वार्ड नंबर 21 वार्ड नंबर 21 कब से पानी यहाँ पे आया? यहाँ पे कल 12 बजे से आ रहा, थोड़ा 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 नाला थोड़ा पानी कमने का नाम नहीं है। नाला थोड़ा आते आते रोड पे पानी आ गया। शहर में नदी से सटे इलाके हों या शहर के निचले इलाके, बाढ़ के पानी ने कुछ यूं दी है दस्तक। शहर के वार्ड नंबर 21 के मुफ्ती मोहल्ले की तस्वीर आप देख रहे हैं। मिलान चौक, मुफ्ती मोहल्ला, जेपी चौक, इन जगहों पर पानी पहुंचा है। छोटी माँ जी, हम लोग जब डूबा लागे पानी घुसा हुआ है, कोई देखने रखने वाला है नहीं। तो क्या लेती और ये तस्वीर आप देख रहे हैं किलाघाट पुल से ली गई। आपके टेलीविजन स्क्रीन के सबसे कोने में नजर आ रहा है किलाघाट का वर्तमान पुल का हिस्सा और सामने दिख रहा है किलाघाट का पुराना पुल। बागमती नदी की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, पानी से लबालब भरी है बागमती। अधवारा समूह की तमाम नदियां उफान पर हैं। बिहार के कई जिलों के साथ दरभंगा भी बाढ़ से आक्रांत है। काम खत्म हो जाता निजी लगा संजय सर अभी संजय सर अभी ना बचा रहे ना प्रति घंटा पानी बढ़िए रहा है ना प्रति घंटा पानी ठीक ठीक कर रहा है पूरा गाछ में पानी घुस चला Thank you.
थोड़ा शहर की स्थिति पर भी नजर डालें। शहर में जो बरसात का पानी है वह निकल रहा है। शहर में बरसात के पानी के स्तर में काफ़ी कमी आई है, लेकिन जो शहर के निचले इलाके हैं और जहां बरसात के पानी ने अपनी जगह बनाई हुई है वहां वो पानी अभी भी काफ़ी हद तक है। कठलबाड़ी सिंधी टोला की ये तस्वीर आप देख रहे हैं MMTM कॉलेज के सामने, जहां बारिश के पानी ने जलजमाव तो अच्छी खासी जगह बना ली, पानी जब निकल रहा है तो इसके निकलने की रफ्तार काफ़ी धीमी है और नतीजतन पानी यहाँ बरकरार है। हालांकि बताएं आपको कि यह बरसात का पानी है और जलजमाव के पानी ने यहां अपनी जगह बना रखी है। और डेनवी रोड का यह नजारा, और ये देखिए तस्वीर जिसने विचलित कर दिया लोगों को, गंगा सागर पोखर की यह तस्वीर। शहर के ऐतिहासिक गंगा सागर तालाब के किनारे की सड़क और तालाब में कोई फर्क नहीं रहा, दोनों ही बराबर हो गए। इस रास्ते पर जाने की मनाही कर दी है मोहल्ले के लोगों ने खतरे को देखते हुए, क्योंकि अगर जरा सी चूक हुई तो सीधे पोखर में। विभिन्न बांधों से आप तक तस्वीर पहुंचाई, विभिन्न इलाकों का हाल हमारे संवाददाताओं वीरेंद्र कुमार, सरफराज आलम और सत्येंद्र कुमार ने, जबकि शहर दरभंगा की तस्वीर आप तक हमारे संवाददाता संतोष झा ने।